हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट की थी एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम वही करेंगे, बट उससे पहले कुछ बच्चों के डाउट थे कि उन्हें 9th क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो 9th क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा से समझा देती हूँ आपको। देखो, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेज़ियम। एक फील्ड है जो कि ट्रेपेज़ियम की शेप में है, जिसके पैरेलल साइड्स दे रखे हैं 25 मीटर एंड 10 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 14 एंड 13 मीटर दे रखे हैं। तो आपको एरिया निकालना है उस फील्ड का, और आपको पता है एरिया किसका है, ट्रेपेज़ियम का है। तो देखते हैं, देखो ये हमने ट्रेपेज़ियम बना लिया था। उन्होंने बोला पैरेलल साइड्स 10 एंड 25 हैं। तो आपको पता है पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं, ए बी एंड डी सी ट्रेपेज़ियम की। ये साइड ए डी और ये साइड बी सी, तो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो ये अगर 25 है, वो इसलिए लिया क्योंकि ये बड़ी है, ऊपर वाली छोटी लग रही है, तो हमने 10 मीटर्स ले लिया। नॉन पैरेलल साइड 13 एंड 14, वो आप कैसे भी ले सकते हैं, इसको 14 इसको 13, वो कोई मैटर नहीं करता। तो ये 13 और ये 14 ले ली हमने नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब देखो, हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की है वो क्यों, ये ट्रेपेज़ियम का एरिया था। ट्रेपेज़ियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब हाफ तो ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब इस साइड और इस साइड का सम, ये 10 दे रखा है, ये 25 दे रखा है, निकाल सकते हैं। इनटू हाइट, हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहां पे हमें ये परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, एडी के पैरेलल इधर सीएफ बना दिया, और ये परपेंडिकुलर तो बनाना ही था हाइट। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली ट्राइंगल का हमने एरिया निकालना है, क्योंकि वैसे अगर हम ट्राइंगल का एरिया देखें तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बट यहाँ पे बेस तो पता है, हाइट नहीं पता। तो क्यों ना हम एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल निकाले। जैसे हम ऐसे लिखते हैं कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो, हाइट भी नहीं पता और एरिया भी नहीं पता इस ट्राइंगल का, तो कैसे निकलेगा, दो टर्म्स अननोन है, नहीं निकल सकता। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल लेंगे ताकि हमारे पास हाइट आ जाए। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए हीरोंस फॉर्मूला लगेगा, तो पहले हीरोंस फॉर्मूला लगाएंगे। ये अगर साइड देखो 13 है, क्योंकि ये और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 13 होगी। ये और ये पैरेलल है, तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगी, ठीक है। अब 25 में से ये 10 माइनस कर देंगे, तो ये कितना बचेगा, 15 साइड। तो मतलब इस ट्राइंगल की साइड्स तो निकल गई ना, ये 13, ये 14, ये 15। तो आपने हीरोंस फॉर्मूला लगा देना, हीरोंस फॉर्मूला लगाओगे 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, एस निकाल दिया 42/2 21। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, एस की वैल्यू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, माइनस करेंगे 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो आपके पास 21 के फैक्टर 3 7 या 8 के फैक्टर 2 का क्यूब, 7 इंटू 2 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 ले लिया। सब में से आप कॉमन ले लेंगे 2 2 के पेयर बना के, तो आपके पास ये आ गया, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 84 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपके पास ये ट्राइंगल का एरिया आ चुका है, ठीक है। तो एरिया निकाल दिया। अब एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया तो निकाल दिया 84, हाफ बेस, बेस की वैल्यू कितनी है ये वाली 15, इनटू हाइट हमें नहीं पता, तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 84 इनटू 2 15 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हाइट आ गई। हाइट हमारे पास कितनी आ गई डिवाइड करके, 11.2। हाइट क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, सॉरी ट्रेपेज़ियम का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम, 25 प्लस 10 थी पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट हमने अभी निकाली 11.2, तो इसको सॉल्व करके हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम आ गया 196 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का, जो हमने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये आपको एरोप्लेन का एक फिगर दे रखा है, और आपको बोला है इसमें सेक्शंस बना दिए 1 2 3 4 5। ये सभी सेक्शंस का एरिया निकाल के पूरे एरोप्लेन का एरिया निकालना है, जो पेपर से बना रखा है, ठीक है। अब देखो, अगर ये हमने एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन का एरिया, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, और फिर सबको टोटल कर देंगे, ठीक है। तो अभी एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन का एरिया निकालते हैं। ये आपको ट्राइंगल दिख रही है, आपको डायमेंशंस दे रखी है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, तो ऑब्वियसली ये भी हम 5 सेंटीमीटर ही एज्यूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि टेढ़ा तो होता नहीं है ना, एक चीज इधर एक चीज इधर, तो 5 सेंटीमीटर ये लेंगे, टिप लेंगे एरोप्लेन की, तो ये हमने एज्यूम करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बोला
अब आप बोलोगे इक्वेटोरियल ट्राइंगल नहीं दिया हुआ, तो ऐसे नहीं दिया होगा, हमने ज़ूम करना है, एरोप्लेन के डायमेंशन सेम होती हैं, तो इधर अगर टिप ऐसी है 5 तो इधर भी 5 ही होगी, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं इसका हिरॉन्स फॉर्मूला लगा के 5, 5 एंड 1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फॉर सेक्शन 1, एस निकाल लेंगे 5 + 5 + 1/2 11/2। देखो फ्रैक्शन में आ गया, आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, बट उसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं विदाउट डेसिमल बता रही हूँ, इसको 11/2 ही रहने दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे s, s - a, s - b, s - c, s की वैल्यू 11/2, अगला s माइनस ए 11/2 - 5, 11/2 - 5, 11/2 - 1, 11/2 निकला, ये 2 इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम तो 2 आएगा, 2 इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, 11 - 10 कितना होगा 1, तो क्या आएगा 1/2, इधर भी ऐसे एलसीएम लेंगे तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, 11 - 10/2 1/2, इधर एलसीएम लेंगे तो 2 × 1 = 2, 11 - 2 = 9, 9/2 आ गया, तो एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो 11/2 एज इट इज 1/2 एज इट इज 1/2, 9 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं 3 × 3, और नीचे तो 2 है ही है। अब हमने कॉमन लेना है, पहले न्यूमिरेटर में देखते हैं, 11 अकेला है तो उसको रूट 11 लिख दिया, 2 3 में से 1 3 बाहर निकल आएगा, नीचे 4 2 है, 4 2 में से 2 बाहर आ जाएंगे, तो आपके पास 3/4 रूट 11 बन जाएगा। 3/4 रूट 11 की वैल्यू स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आप, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 3.31, रूट 11 अगर निकालेंगे तो 3/4 × 3.31 आपका 2.4 आएगा, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है, अप्रोक्सीमेट ले लेंगे 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, राउंड ऑफ करके 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपका फर्स्ट पोर्शन है इसका तो आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब सेकंड पोर्शन निकाल लेते हैं, अब सेकंड पोर्शन आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है, शेप्स आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका जो लेंथ है वो 6.5 है, ब्रेथ है 1 है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगा देंगे, तो लेंथ 6.5, ब्रेथ 1, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आता है सेक्शन 3, सेक्शन 3 क्या है जो बेस है, ये बेस आपको दिख रहा है ये ट्रेपेजियम शेप का है, तो मतलब जो हमने 12.2 में क्वेश्चन नंबर 9 किया था सेम एग्जैक्टली इस ट्रेपेजियम का एरिया उसी क्वेश्चन के मेथड से निकलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 वाला मेथड ही लगाएंगे। आपके पास ये ट्रेपेजियम है तो हमने वैसे ही शेप बना ली इसकी अलग से, ये साइड 1 दे रखी थी, ये पूरी की पूरी 2 दे रखी थी, वैसे ही हमने इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये साइड 1 दे रखी थी, अब ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक 2 थी, अब इतना 1 हो गया तो इतनी भी तो 1 होगी। अब देखो ये वाली ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है बिकॉज हमें तो हाइट चाहिए, ये वाली ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी बिकॉज ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो सीधा हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है √3/4a² यानी कि साइड स्क्वायर, तो √3/4 इस ट्राइंगल का एरिया साइड कितनी है 1, तो √3/4 ही आ जाएगा, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये तो लर्न ही रख लो आप √3 की वैल्यू क्योंकि बहुत बार काम आती है, अपॉन 4 डिवाइड करके 0.433 आ गया। अब एरिया निकल आया तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 0.433 हाफ इंटू बेस कितना है 1, हाइट कितनी है ये BF, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करके BF की वैल्यू कितनी आ गई 0.866, जिसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे BF की वैल्यू 0.9 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ये भी आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, हमें पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये 1 ये 2, तो 1 + 2 हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 0.9, तो 1/2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 × 0.9, सॉल्व करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आपका ट्रेपेजियम का आ जाएगा, ठीक है। सो थर्ड सेक्शन में निकल गया, अब फोर्थ और फिफ्थ सेक्शन देखते हैं, फोर्थ और फिफ्थ सेक्शन देखिए ये विंग्स हैं एरोप्लेन के, तो विंग्स तो एक जैसे ही होंगे, तो अगर मैं जितना फोर्थ का एरिया आएगा उतना ही फिफ्थ का, यानी कि ये बराबर होंगे। अब ये देखो आपको राइट ट्राइंगल दे रखी है बिकॉज ऑब्वियसली विंग्स टेढ़े तो नहीं होंगे, तो ये आप ज्यूम करके चलोगे कि 90 डिग्री है, तो राइट ट्राइंगल दे रखी है, तो हम सीधा लगा सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका होगा,
तो फोर्थ सेक्शन के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस की वैल्यू 1.5, हाइट की वैल्यू 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जितना फोर्थ सेक्शन का एरिया उतना ही फिफ्थ सेक्शन का एरिया, तो फिफ्थ सेक्शन का एरिया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी बराबर आ गया। अब टोटल एरिया कैसे आएगा, सब सेक्शंस को प्लस करके, तो सबके जितने आंसर्स आए हैं सबको टोटल कर दो, आपका 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ आपका चैप्टर जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग खत्म होता है, हिरॉन्स फॉर्मूला। आपका जो सैटरडे को टेस्ट होगा वो आपका फुल चैप्टर टेस्ट होगा 12.1, 12.2 विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपने पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है। आज के लिए इन दो क्वेश्चंस के अलावा मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ करने के लिए हिरॉन्स फॉर्मूला की, वो असाइनमेंट आपने सॉल्व करनी है, बट वो असाइनमेंट आपके टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं होगी। ठीक है, कल का दिन भी आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो भी उस असाइनमेंट में डाउट्स होंगे आप मेरे से पूछ सकते हो, बट वो असाइनमेंट आपके टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपने एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।